चैप्टर सिक्स का करना है आज रिवीजन। और चैप्टर सिक्स है हमारा अंडरस्टैंडिंग द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना? यस सर। क्वेश्चन तो तुम लोगों ने कर लिए होंगे, होमवर्क में जो मिला था। ठीक है, चैप्टर सिक्स पहले पार्ट में फ्रैक्शंस देख लेते हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा वो बेस्ड रहेगा पूरा फ्रैक्शन के ऊपर, है ना? सिर्फ फ्रैक्शन की ही बात करेंगे प्योरली, और कल हम देखेंगे फ्रैक्शन का दूसरा फॉर्म डेसिमल, ठीक है ना? तो दो पार्ट में, दो पार्ट में किया है हमने, ताकि क्लैरिटी थोड़ी सही से हो जाए। ठीक है, सबसे पहले फ्रैक्शन होता क्या है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, ठीक है ना? अगर मान लो कोई, अब वो होल जो था हमने देखा था पहले जब चैप्टर हम कर रहे थे, तो हमने देखा था कि होल को हम लोग एज अ शेप भी ले सकते हो। होल यहाँ पे किस तरीके से भी एक्ट कर सकता है, तुम उसे कोई शेप ले सकते हो। शेप में वैरायटी है हमारे पास, तुम ट्रायंगल ले सकते हो, उसे स्क्वायर ले सकते हो, रेक्टेंगल ले सकते हो, सर्कल ले सकते हो, एंड सो ऑन, ठीक है ना? तुम चाहो तो होल को इस तरीके से ले सकते हो कि वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो सकता है इन अ क्लास, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हो सकता है इन एनी गेम, और ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है एट एनी सर्टेन प्लेस, ठीक है ना? ये हमने देख चुका, ये कर लिया था हमने पहले, है ना? देखा था yes, पहले sir. ये तो और भी पॉसिबिलिटीज है, होल को हम किसी भी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर ये जो भी ग्रुप लिया है तुम लोगों ने, ये पूरा पूरा एक बंच लिया है जो एक एंटिटी की तरह काम कर रहा है, जिस एंटिटी के अंदर सब एंटिटीज भी प्रेजेंट है, ठीक है ना? तो अगर मान लो कि इनमें से भी कुछ पार्ट ले लोगे, मान लो कि यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स है, 30 प्लेयर्स है, 30 पीपल है, तो 30 में से अगर तुमने बात की कि मुझे सिर्फ 6 बच्चे चाहिए, तो मतलब 6 क्या है, फ्रैक्शन है 30 का, ठीक है ना? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। अगर तुम बोलोगे कि शेप में कैसे डिवीजन करेंगे, शेप में ऐसे डिवीजन करेंगे कि तुमने स्क्वायर लिया और उसके इक्वल पार्ट करने पड़ेंगे। पहली बात तो ये, पार्ट जो होंगे वो दे मस्ट बी इक्वल, अदरवाइज मींस वी कैन नॉट बी, वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट, फिगर आउट द फ्रैक्शंस फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट वेयर द पार्ट्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ये नोट्स में लिखवा दिया था पहले ना, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे इक्वल पार्ट किए हैं तो बात कर सकते हो, चाहो तो एक पार्ट ले लो, चाहो तो दो पार्ट ले लो, चाहो तो तीन ले लो, चाहो तो पूरे ले लो। तो होल जो है, होल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ होल, जहाँ पे होल वो फ्रैक्शन जो होगा होल के इक्वल हो जाएगा, कहने का मतलब ये, ठीक है ना? क्योंकि अगर अभी हम बात करेंगे फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो अगर डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आते हैं और न्यूमरेटर में भी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स अगर लोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और फिर वन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो देखते हैं बाद में। अभी के लिए ये समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया, सर आ गया, ठीक है। तो वो होल कुछ भी हो सकता है ना। अब यहाँ पे फ्रैक्शन को न्यूमेरिकली कैसे लिखेंगे वो देखो। ये कॉपी कर लिया या कर रहे हो? सर कर लिया, कर लिया, कर लिया। फ्रैक्शन को यहाँ पे लिख देखो, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, या फिर इसी को तुम लोग लिख सकते हो, जो न्यूमरेटर है वो डिविडेंड की तरह एक्ट करेगा। अगर हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो, सही है? और वो डिविडेंड अपॉन डिवीजन के कॉम्बिनेशन से हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर मिल जाएंगे। यस सर, यस सर, यस सर। अब यहाँ पे देखो, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में दो तरह के फ्रैक्शन हमारे पास होते हैं। पहला बोलता है जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना? प्रॉपर में और इम्प्रॉपर में एकमात्र ये डिफरेंस है कि यहां पे न्यूमरेटर जो भी होगा वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है? और इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा। समझ आया?
लिख दे एग्जांपल कुछ कुछ, ये सारे के सारे एग्जांपल से प्रॉपर फ्रैक्शन के से, और इसी को फ्लिप कर दो, 10 अपॉन 30 ने तो उसको उठा करके ऊपर फेंक दो, बड़ा करना पड़ेगा न्यूमरेटर को तभी प्रॉपर बोल पाओगे उसे, ठीक है ना। तो अनगिनत एग्जांपल्स हमारे पास है, चले आगे। नो सर, नो सर, नो सर। अच्छा कॉपी कर रहे हो क्या इसे? ठीक है कर रहे हो, ये लिखवा दिया था वैसे नोट से पहले, फिर से लिखना चाहो तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कर लिया। नो सर, मेरा अभी होने वाला है। ठीक है, सर कर लिया, सर कर लिया। हो गया सभी का? यस सर। ठीक है, यस सर, यस सर। तुम लोग ये बोल सकते हो कि न्यूमरेटर जब छोटा होगा वो केस हमने बात उस केस की बात कर ली, न्यूमरेटर बड़ा होगा उस केस की बात कर ली, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो जाएंगे तब क्या होगा, तो वन में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रैक्शन बचेगा ही नहीं वो, ठीक है ना, वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा या नेचुरल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। वन इज अ नेचुरल नंबर, वन इज अ होल नंबर, वन इज एन इंटीजर। आगे चलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करते हैं एक बार, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको ये वो डायरेक्टली बोल सकता है कि कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन दिया होगा क्वेश्चन में, उसे कन्वर्ट करो किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में, अब तुम बोलोगे कि वो क्या होता है, वो ये होता है। क्या करना तुम लोग, सिंपली ये चेक करने की कोशिश करो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कोप्राइम नंबर है क्या, और कोप्राइम का आइडिया तुम लोगों को होना चाहिए। यस सर, बताया दिया था इतनी बार क्लास में, सर भूल गया, सो नहीं रहे थे तो भूल गए, बहुत बढ़िया। कोप्राइम नंबर वो होते हैं, दो नंबर्स आपस में कोप्राइम तब होते हैं सर जिनका नहीं होता है, सर जिनका एचसीएफ निकलता है 1। कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है? यस सर, यस सर। क्या सर, 5 कॉमन फैक्टर है, ना 2 कॉमन फैक्टर है, ना 3 कॉमन फैक्टर है, 5 नजर आ गया तुम लोगों को सर, 11 और 12। वो जो कॉमन फैक्टर है उस नंबर से, उस कॉमन फैक्टर से, कॉमन नंबर से, इसे भी डिवाइड कर देना, इसे भी डिवाइड कर देना, तो जब 55 डिवाइड होगा 5 से तो तुम्हें क्या देगा 11, और 60 होगा तो 12 होगा। क्या अभी दोनों में कॉमन फैक्टर है? नो सर, नहीं है। नो सर, नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म किसकी, सिंपलेस्ट फॉर्म 55/60 की। आया समझ? यस सर, यस सर, आ गया। ये मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म का। अच्छा, इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की, तो हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, मतलब तुमको आता तो है, मतलब तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या करते हो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो यहां से यहां पहुंच जाते हो, और वो सेम नंबर क्या है इस केस में, 5। ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 5 से मल्टीप्लाई करो, तो किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो, तो पहुंच जाओगे वहां से वहां तक। यस सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सिंपलेस्ट फॉर्म की जब भी बात करोगे तो ये देखना पड़ेगा कि किस नंबर से उसे मल्टीप्लाई किया होगा उस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट ढूंढने के लिए, या अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात नहीं भी करते हो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते टाइम तब भी काम तो हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें सिंपली कॉमन फैक्टर्स ढूंढने होते हैं, कॉमन फैक्टर अगर मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। यस सर, नेक्स्ट एग्जांपल तुम लोग करके दिखाओ एक बार। ठीक है, सही है। तो जब भी जीरो दिख जाए दोनों एंड पे ऊपर नीचे तो कैंसिल कर दो जीरो को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर,
21/4 = 42 दोनों में 3 कॉमन फैक्टर है, 3 कॉमन फैक्टर है, तो जब 321 को कट करेगा तो 7 आएगा और 342 को कट करेगा तो 14 आएगा, दोनों में कॉमन फैक्टर 7 है तो 7 को कट करेगा तो 1/2 यस सर यस सर मेरा भी यही आंसर है 1/2 में कुछ भी कॉमन फैक्टर yes, नहीं है तो वो हो जाएगा सिंपलेस्ट फ्रॉम ये इस केस में ठीक यस सर यस सर सिंपलेस्ट फॉर्म के कुछ क्वेश्चन और दिए जाए या चले आगे सर दे दो ठीक है लिखो ठीक है इसे करो एक बार और फिर नेक्स्ट है छोटे से छोटे नंबर से शुरुआत क्या करो अगर दोनों नंबर इवन नंबर लिखे हुए हैं ऊपर और नीचे तो इसका मतलब 2 तो इन दोनों कॉमन फैक्टर होने ही वाला है तो 2 से शुरुआत क्या करो और अगर नहीं दोनों में से कोई एक नंबर और दिख जाए दोनों नंबर और दिख जाए तो 2 से आगे चलो 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे इस तरीके से प्रोसीड करो ठीक है ना तो ट्राई करो इसे सर सर आ गया आंसर 3/4 है पहले का यस सर ठीक है चेक कर दो सभी कर पा रहे हो कर पा रहे हैं सर सर मैं नहीं कर पा रहा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कॉमन फैक्टर ढूंढो बेटा कॉमन फैक्टर ढूंढो और दोनों को कट करो इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया था तुम्हें यस सर इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में था तो वहां पे 210 और 420 में कॉमन फैक्टर क्या था स्टार्टिंग 10 से शुरुआत की थी तुम 2 से कर लो क्योंकि दोनों इवन नंबर है ना 210 और 420 तो 2 से शुरुआत करोगे फिर आगे जाकर कटिंग होगी तो कॉमन फैक्टर इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इसलिए होमवर्क पहले ही दे दिया जाता है तो अगर होमवर्क करके आते हो क्लास में तो फायदे में रहते हो सर तीसरे वो दूसरे का भी 3/4 है ठीक है चेक करते हैं देखो सामने 99/132 में 2 कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता क्यों क्योंकि 99 ऑड नंबर है तो क्या 3 कॉमन फैक्टर हो सकता है इसका यस सर 3 हो सकता है ना ठीक है 3 हो सकता है तो जब 99 3 को कट करेगा नहीं सर 99 को कट करेगा तो 33 हो जाएगा ठीक है ना और जब 132 कट करेगा 99 को कितना हो जाएगा 34 अगर तुम्हारा 36 आया है तो तुम्हारा आंसर 3/4 कैसे आ गया नो सर सॉरी सर मैंने नीचे वाला देख लिया सर सेकंड वाला ठीक है अगेन 33 और 44 में कॉमन फैक्टर 3 नहीं है 2 तो हो ही नहीं सकता है 3 भी नहीं है अगर 2 नहीं हो सकता तो 4 नहीं हो सकता 6 नहीं हो सकता 8 नहीं हो सकता क्यों 11 क्योंकि इवन नंबर सर सारे इवन लोग हैं तो नंबर मल्टीपल उसका ऑड नंबर नहीं आ सकता 11 होगा इनका फैक्टर सर 11 तो 11 यस सर 11 3/4 क्या सर 4 3 सर सेकंड वाले का भी 3/4 है यस सर पहले पूरा सुन लो क्या कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है नो सर नो सर सिंपलेस्ट फॉर्म है नेक्स्ट यहां पे कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा तो ये 27 बन जाएगा और ये 36 अब 2 कॉमन फैक्टर नहीं होने वाला 3 कॉमन फैक्टर होने वाला है 9/12 अगेन 3 कॉमन फैक्टर है 3/4 अब समझ आया सभी को यस सर यस सर नहीं उनसे पूछ रहा हूँ जिनको पहले नहीं आया था यस सर आ गया ठीक है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और ऐसा करो सिंपलेस्ट फॉर्म तुम लोगों को अभी अच्छे से आ नहीं रहा है तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शंस का कल ही देखेंगे तो डेसिमल्स परसों देखेंगे अभी क्वेश्चन लिखो सिंपलेस्ट फॉर्म में
करो इसे सॉल्व। दोनों नंबर अगर इवन दिखते हैं, न्यूमेरेटर भी डिनोमिनेटर भी, तो इसका मतलब टू कॉमन फैक्टर है, और नहीं दिखते तो थ्री पे ट्राई करो, फोर पे ट्राई करो, और फिर इस तरीके से आगे आगे ट्राई करते जाओ। सर सर पहले का वन अपॉन फोर है। आंसर में देता हूँ, सॉल्व करो दोनों साथ में। सर हो गए दोनों। ठीक है, एक मिनट। सर दोनों हो गए। सभी के? यस सर। बाकी क्या कर रहे हैं? नो सर। यस सर। प्रैक्टिस बढ़ाओ मैथ्स में अपनी, बोर्ड सर पे ही है, एक महीना रह गया बस। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे स्पीड भी वहीं से इम्प्रूव होने वाली है। सर करवा हो गया? यस सर। बाकी बच्चों को भी साथ में लेके चला करो भाई। सर पहले का आंसर है 1/4 और सर सेकंड का 1/3। यहां 1/3 है सही? यस सर। यस सर। ठीक है, 128 1512 जब 2 इनका कॉमन फैक्टर दिख गया तुम्हें तो ये 64 बन जाएगा और 256 बन जाएगा। क्या फिर से 2 कॉमन फैक्टर है इनका? यस सर। यस सर। तो ये 32/128 बन जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट इसके बाद में यहां आओगे तो 32/128 में 16/64 और सर दूसरी साइड में 1/3 3 कॉमन फैक्टर है तो ये 9 बनेगा, ये 27 बनेगा। अगेन 3 कॉमन फैक्टर 3/9, अगेन 3 कॉमन फैक्टर 1/3। कुछ समझ नहीं आया। बड़ा आ गया समझ। चले आगे। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। इसे सॉल्व करो और फिर सॉल्व करिएगा। कैलकुलेटर लेके कर रहे हो क्या सॉल्व? नो सर। देखो कैलकुलेटर लेके कर भी रहे हो तो हो सकता है अभी बच जाओ मेरी नजरों से, लेकिन बोर्ड में कोई कैलकुलेटर नहीं देगा कि तुम लाइफ टाइम मांगो और बाहर जाकर के कैलकुलेटर तो मांगने लगे। तो यही मेहनत कर, यही प्रैक्टिस करो जितनी करनी है, क्योंकि बोर्ड में उसी तरीके से जाने वाले हो। सर दूसरे का 7/8 सर 20 से कर दिया। और ये यहां क्या लगाया? 1/6 नहीं, कॉमन फैक्टर क्या मिला तुम्हें?
सर 36 वन जा कर दिया और 36 सिक्स जा कर दिया सर 36 सिक्स जा 216 यस सर। तो कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर रहे हो ना बैठ के ये पूछ नो रहे सर, हो नो सर ठीक है सर ठीक है फिर तो सही जा रहे हो ठीक है। तो ये स्पीड सभी की हो सकती है ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे क्योंकि ये बच्चे डेली प्रैक्टिस करने वाले हैं तो इनके पास स्पीड आ गई है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ठीक है। चलो देखो 36 अपॉन 216 पहले से देख लो 140 अपॉन 160 दो ऑप्शन है हमारे पास या तो हम ये कर सकते हैं कि जीरो से जीरो कैंसिल कर दोगे तो 14 अपॉन 16 बन जाएगा टू कॉमन फैक्टर है तो 7 अपॉन 8 बन जाएगा। कोई अगर बोले कि हमें तो नजर ही नहीं आया कि जीरो दोनों में कैंसिल हो सकता था तो हमने तो ये दिमाग लगाया कि दोनों इवन नंबर हैं तो हमने टू कॉमन फैक्टर ले लिया तो वो 70/80 बन गया। अब जीरो से जीरो कैंसिल कर दो तो वो 7/8 बन जाएगा यस सर ठीक है। तो आंसर सेम आएगा किसी भी तरीके से जाओ यस सर ठीक है। अब यहाँ पे भी दो मेथड लग सकते हैं कोई बोलेगा कि हमें टू कॉमन फैक्टर दिख गया तो हमने यहाँ पे 18 ले लिया और फिर यहाँ पे क्या ले लिया 108 अगेन टू कॉमन फैक्टर दिखा तो 9/54 हो गया। अगेन टू कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है थ्री कॉमन फैक्टर हो सकता है तो यहाँ 3/ कितना ले लिया 18 ले लिया और ये 1/6 बन गया फाइनली। तो इतना भी दिमाग लगा सकता है कि टू तो उसे नजर ही नहीं आया था थ्री नजर आया था उसने डायरेक्ट अगर थ्री से ट्राई करना चाहो तो कर लो तो ये 12 बनेगा क्योंकि जब 36 3 से कट होगा तो 12 देगा और 216 जब कट होगा तो 72 देगा। अब दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है तो 6/36 है दोनों में कॉमन फैक्टर अगेन 2 है या डायरेक्ट 6 कॉमन फैक्टर है इनका या अगर तुम्हें नजर नहीं आता कि 6 कॉमन फैक्टर है तो ये 2 से कट हो रहा है तो 3/12 बनेगा नहीं बनेगा कितना बनेगा 18 बनेगा 1/6 तो आंसर सेम आएंगे क्योंकि कॉमन फैक्टर सही होना चाहिए जो लोगे नीचे जाकर के फाइनली जो आंसर आने वाला है सिंपलेस्ट फॉर्म में वो सेम आएगा। तुम किसी भी कॉमन फैक्टर से पहले करो बाद में करो बात एक ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब आंसर के ऊपर आया समझ यस सर यस सर। अब आज का टाइम तो गया तो सिंपलेस्ट फॉर्म ही पढ़ा है आज हमने कल हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन तो इंप्रॉपर को भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और प्रॉपर को भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है। तो आज का होमवर्क क्या लेना चाहोगे प्रॉपर भी सर ऐसा करो बुक से एक मिनट सर नंबर लाइन की प्रैक्टिस के लिए। हाँ लेकिन अगर जैसे नहीं आता फिर वो क्या करेगा चलो ठीक है करो एक बार अगर आता है ऑलरेडी तो एक्सरसाइज सिक्स दे रखी पेज नंबर 135 पे सुन लो पहले पेज 135 पे एक्सरसाइज सिक्स दे रखी है वहां पे 1, 2, 3, 4 और 5 ये क्वेश्चन कर पहले 5 क्वेश्चन कर लेना होमवर्क में और अगर डाउट लगते हैं तो हम तो डिस्कस करने वाले हैं वैसे भी सर बुक के अंदर है मेंटल मैथ्स के अंदर है नहीं मेंटल मैथ्स में नहीं बेटा ये मेन बुक वो जो तीन पार्ट में है ना बुक मैथ्स की ओके सर पहले पार्ट ओके सर चैप्टर 6 ओके सर ओके सर बाय सर बुक नंबर कौन सा है बुक नंबर क्या है पार्ट 1 ओके सर